गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं कक्षा 4 के लिए आपका जो हिंदी व्याकरण का पाठ पुस्तक है उसी से पाठ 8, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कारक। कारक को इंग्लिश में किस कहते हैं। तो आइए पहले इस पाठ को देखते हैं, फिर इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। कारक केस। कारक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के संबंध को आपस में प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। कारक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के संबंध को आपस में प्रकट करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए इसको देखते हैं। बच्चों ने पौधे लगाए, यह रजत का कुत्ता है, राखी दाएं हाथ से लिखती है। उसके बाद है, बंदर पेड़ पर बैठा है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, सब्जियां टोकरी में रखी हैं। यहाँ पे बच्चों ने पौधे लगाए हैं, तो इसमें जो बच्चों ने को नीले रंग से लिखा गया है। उसके बाद यह रजत का कुत्ता है, का यहाँ पर नीले रंग से लिखा हुआ है। राखी दाएं हाथ से लिखती है, दाएं हाथ से जो है वह नीले रंग से लिखा हुआ है। बंदर पेड़ पर बैठा है, पर नीले रंग से यहाँ लिखा हुआ है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान क्या है, नीले रंग से लिखा हुआ है। सब्जियां टोकरी में रखी हैं, इसमें में नीले रंग से लिखा हुआ है। तो आइए अब देखते हैं उपरोक्त वाक्यों में ने का से पर हे भगवान में शब्द संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया पदों से जोड़ रहे हैं, इन्हें कारक कहा जाता है। यानी कि ने जैसे बच्चों ने, का रजत का, से राखी दाएं हाथ से, पर बंदर पेड़ पर, हे भगवान, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ये जो शब्द हैं ये संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया पदों से जोड़ रहे हैं और इन्हें कारक कहा जाता है। परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्हों को कारक कहा जाता है। तो प्रश्न उठता है कि कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्हों को कारक कहा जाता है, स्पष्ट है। इसके बाद है कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के 8 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। एक तरफ क्रम दिया हुआ है, यानी कि 1, 2, 3, 4 सीरियल नंबर है। उसके बाद कारक है, फिर उसके बाद में जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ब्लू कलर के ऊपर कारक चिन्ह, उसके बाद लाल कलर के ऊपर है, लाल रंग के ऊपर लिखा हुआ है वाक्यों में प्रयोग। तो पहला जो है कर्ता, कर्ता का कारक चिन्ह है ने, कर्ता ने। दूसरा है कर्म, कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, ये कारक चिन्ह है जो मैं बोल रहा हूँ को के लिए। अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो अज, इसको याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो अजि। अब इसको वाक्यों में प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। लड़की ने गीत गाया, लड़की ने गीत गाया, यहाँ पे जो कारक चिन्ह है ने, उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, लड़की ने गीत गाया। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हरे रंग से लिखा हुआ है ने, लड़की ने गीत गाया। उसके बाद है ऋषभ को पानी दो, यानी कर्म जो है उसका कारक चिन्ह है को, तो ऋषभ को पानी दो, करण किस, करण से या के द्वारा।
अमन पेन से लिखता है या अमन पेन के द्वारा लिखता है। संप्रदान को के लिए, स्वाति के लिए कपड़े लाओ, ये वाक्य में प्रयोग किया गया है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। अपदान से अलग, मोहन घर से चला गया। संबंध का के की, यह राजू की पुस्तक है। अधिकरण में, पर चाय में मक्खी पड़ी है। संबोधन हे अरे अहो अजी, अरे ये तुमने क्या किया, संबोधन है अरे ये तुमने क्या किया। तो यहाँ पे कारक है, उसका कारक चिन्ह है और वाक्यों में प्रयोग किया गया है, इसे आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे। इसके बाद जो है वाक्यों में कारक का महत्व, वो आइए हम लोग देखते हैं। शब्दों को एक साथ लिखने या बोलने से वाक्यों के अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं। जैसे एक नंबर में है, निधि कार विद्यालय गई, इससे जो वाक्य है वह स्पष्ट नहीं हो रहा है, अर्थ उसका स्पष्ट नहीं हो रहा है। दो नंबर में है, मोर डाली बैठा है, ये भी बोलने से या लिखने से इसका जो अर्थ है वह स्पष्ट नहीं हो रहा है, वाक्य जो है वह सही नहीं है। नंबर तीन में है, कपड़े अलमारी में अलमारी हैं, ये भी गलत है। नंबर चार में, माता जी अंदर बुलाओ, ये भी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। नंबर पांच में है, सुनीता दूध पिया, इसका भी स्पष्ट नहीं है अर्थ। नंबर छह में है, अखबार मेज है, अखबार मेज है, इसका भी अर्थ स्पष्ट नहीं है। यानी कि वाक्यों में कारक का क्या महत्व होता है इसमें हमको देखना है। इन्हें यदि ऐसे लिखा जाए तो बात पूरी तरह स्पष्ट होती है। जैसे पहला जो है, निधि कार विद्यालय गई, उसका देखिए शुद्ध रूप क्या होगा, यानी कि इसका अर्थ स्पष्ट इसमें किया गया है, वो देखिए। नंबर एक में है, निधि कार से विद्यालय गई, इसका गलत जो था अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था वो था, निधि कार विद्यालय गई, लेकिन इसको होना चाहिए निधि कार से विद्यालय गई। नंबर दो में है, मोर डाली बैठा है, तो मोर डाली पर बैठा है। नंबर तीन में है, कपड़े अलमारी हैं, तो इसको क्या हम लोग बनाएंगे, कपड़े अलमारी में हैं। नंबर चार में है, माता जी अंदर बुलाओ, तो माता जी को अंदर बुलाओ, यह जो है इसका ये वाक्य जो है इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि माता जी को अंदर बुलाओ। नंबर पांच में है, सुनीता दूध पिया, तो सुनीता ने दूध पिया, ये स्पष्ट है। नंबर छह में है, अखबार मेज पर है, जबकि जिसमें वाक्य स्पष्ट नहीं था वो था अखबार मेज है, इसका होगा अखबार मेज पर है। तो ये जो पाठ है आपका कारक, कारक पाठ, पाठ आठ, इसका प्रश्न उत्तर मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग को करा रहा हूं। तो अब तक जो सीखा में है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बतलाते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। तो उसके नीचे है, सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह होते हैं, यानी कि जितने भी कारक हैं उनके विभक्ति चिन्ह यहाँ दिए हुए हैं, ने को, ये सब क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह हो गया। उसके बाद अभ्यास कार में आइए देखते हैं। नंबर एक में है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बतलाते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बतलाते हैं उन्हें कारक कहा जाता है, इसे आप लिख लेंगे। उसके बाद नंबर ख में है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के भेद आइए देखते हैं। ख का उत्तर, कारक के आठ भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं, कारक के भेद जो हैं वो आठ होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो अजी। इसका उत्तर जो है हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि कारक के आठ भेद होते हैं, और इसको याद करने के लिए भी हम इसको पूरा लिख सकते हैं, नंबर एक से आठ तक। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त कारक चिन्हों से कीजिए। इसमें रिक्त स्थान जो है उसमें उपयुक्त कारक चिन्हों से इसकी
पूर्ति, इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन उसके माध्यम से करना है। तो आइए देखते हैं। पहला है क में राम खाली स्थान रावण खाली स्थान मारा, तो होगा राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ख में है मैं भाई खाली स्थान दूध लाई हूँ, मैं भाई के लिए दूध लाई हूँ, मैं भाई के लिए दूध लाई हूँ। ग में है प्रिंस बस खाली स्थान जाता है, प्रिंस बस से स्कूल जाता है। घ में है घड़े खाली स्थान पानी कम था, घड़े में पानी कम था। अंग में है यह पिताजी खाली स्थान घड़ी है, यह पिताजी की घड़ी है, इसमें क्या होगा की, यह पिताजी की घड़ी है। तो नंबर दो ये भी स्पष्ट है, इसको ऐसे आप लोग इसका जो रिक्त स्थान है उसको आप लोग जो सही कारक चिन्ह दिया हुआ है उससे आप लोग भरिएगा। नंबर तीन में है रंगीन शब्दों ने, रंगीन शब्दों के कारक बताइए, इसमें रंगीन शब्द जो दिए गए हैं उसका कारक बताना है। नक्श ने खाना खाया, ने जो है वह कर्ता कारक है। खरगोश को गाजर खाना पसंद है, खरगोश को गाजर खाना पसंद है, यानी कि को यानी कि कर्म, तो यहाँ पे क्या होगा को लिखेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद लिखेंगे कर्म कारक, को कर्म कारक, ख का उत्तर होगा। उसके बाद ग में है कबूतर डाली पर बैठा है, बैठे हैं कबूतर डाली पर बैठे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पर ब्रैकेट में लिखेंगे पर, उसके बाद होगा अधिकरण पर, यहाँ पे देखिए पर अधिकरण, अधिकरण लिखेंगे। उसके बाद घ में है नानी के लिए पानी लाओ, नानी के लिए पानी लाओ घ में, तो के लिए यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में के लिए, यहाँ पे देखिए के लिए संप्रदान है, तो के लिए ब्रैकेट में लिख के उसके बाद लिखेंगे संप्रदान कारक। उसके बाद पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो से हम लिखेंगे ब्रैकेट में से, ब्रैकेट में लिखेंगे से, और यहाँ पे देखिए से अपादान, अपादान कारक लिखेंगे। उसके बाद है च, हे ईश्वर हम सब का भला करो, तो हे ईश्वर लिखेंगे, हे ईश्वर, और ये होगा आपका संबोधन, यहाँ पे है हे, तो संबोधन हम इसको लिखेंगे संबोधन कारक। आशा करता हूँ इसको आप अवश्य समझेंगे। चार नंबर में है दिए गए कारक चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए, कारक चिन्ह दिया गया है उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है से, गंगा हिमालय से निकलती है, उसी प्रकार ख का देखिए, ख में होगा माता जी को अंदर बुलाओ, माता जी को अंदर बुलाओ। ग में होगा अखबार मेज पर है, घ में होगा अरे ये तुमने क्या किया। ख में माता जी को अंदर बुलाओ, ग में अखबार मेज पर है, घ में अरे ये तुमने क्या किया। नंबर पांच में है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, बच्चा पलंग से गिर पड़ा कौन सा कारक है, बच्चा पलंग से गिर पड़ा कौन सा कारक है, तो इसका उत्तर होगा क का अपादान कारक, क का उत्तर होगा अपादान कारक। इसके सामने आप लोग सही का निशान लगाइएगा, यहाँ पे सही का निशान होगा। ख में है मैं बच्चों के लिए मिठाई लाया हूँ कौन सा कारक है, मैं बच्चों के लिए मिठाई लाया हूँ कौन सा कारक है। ख, ख का होगा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक ये होगा, इस पे सही का निशान आप लगाइएगा। उसके बाद ग में है पुस्तकें थैले में है कौन सा कारक है, तो इसका उत्तर होगा अधिकरण कारक,
पुस्तकें थैले में हैं, कौन सा कारक है? अधिकरण। इस पर सही का निशान आप लोग लगाइएगा। नंबर छह में है रिक्त स्थानों में सही कारक चिन्ह भरिए, दिया हुआ है को, पर, से, ने। तो पहला है पंकज ने गाना गाया, पंकज ने गाना गाया। राहुल पेड़ पर चढ़ गया, राहुल पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हर्ष खिलौने से खेल रहा है, हर्ष खिलौने से खेल रहा है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पाठ आठ कारक को समझ लेंगे और इसका प्रश्न उत्तर जैसे मैंने बताया है इस वीडियो के माध्यम से कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।